दोस्तों, क्या आप इस तरीके के डीमार्ट बनाना चाहते हैं? तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए। इस तरीके का डीमार्ट काफी तेजी से वायरल होता है और इस तरीके के डीमार्ट को आप बड़े ही आसानी से अपने स्मार्टफोन की मदद से बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इस तरीके के डीमार्ट को बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार शाह है और आपका डिजिटल वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरीके की वीडियो को बनाने के लिए हम काइन मास्टर का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। कैनमास्टर को ओपन करने के बाद हमें प्लस आइकन को दबाना है और 16:9 का रेशियो ले लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें मीडिया में जाना है और एक ब्लैक बैकग्राउंड को ले लेना है, जिसे हमें 10 से 12 सेकंड के करीब कर देना है। उसके बाद दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ PNGs का लिंक दूंगा, उसे सिंपली डाउनलोड करके यहाँ पर लेके आना है। तो मैं सिंपली उस PNG को लेके आता हूँ। उसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और उस PNG को लेके आना है। तो दोस्तों ये हमारा पहला PNG है, इसे सिंपली यहाँ पर लाना है। तो इसे सिंपली हमें बड़ा कर लेना है, इस तरीके से हमें थोड़ा बड़ा कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें और एक PNG को लेकर आना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और उस PNG को लेकर आना है। तो ये दूसरा वाला PNG है, इसे सिंपली वीडियो के अनुसार बड़ा कर देना है और इसे खींच के ऊपर लेके आना है इस तरीके से, और इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है, इसे अपने हिसाब से यहाँ पर सजा लेना है कुछ इस तरीके से। ये ऐसे हमें पूरा मिडिल में रख के सजा लेना है। तो ये कुछ हमारा ये इस तरीके से हो गया, इसे हल्का सा ऊपर कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हमें इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, इसके लिए लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है और आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा था लव इच अदर, तो मैं वही लिख देता हूँ और ओके कर देना है। और इसके फॉन्ट को चेंज करने के लिए दाहिनी तरफ डबल ए पे क्लिक करना है और आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। मैं इसमें जाता हूँ, लैटिन में जाता हूँ और ये वाला फॉन्ट को ले लेता हूँ। ये सब फॉन्ट आपके में नहीं है तो ये जो दाहिनी तरफ स्टोर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली मैं बैक कर जाता हूँ और इसे बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से बड़ा कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से बड़ा कर देना है। अब दोस्तों हमें कलर वाले वीडियो को लेके आना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और उस कलर वाले वीडियो को लेके आना है। तो ये हमारा कलर वाला वीडियो, इसे सिंपली फुल स्क्रीन कर लेना है। इसके लिए कैंची के बगल में जो बॉक्स है उस पर क्लिक करना है और इसे फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद इसे बैक करना है, फिर से कलर वाले लेयर पर क्लिक करना है, दाहिनी तरफ जाना है और नीचे जाना है और आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों हमें टेक्स्ट और ऊपर वाले में थोड़ा एनिमेशन कर देना है ताकि हमारा ये वीडियो अच्छा दिखे। इसके लिए हमें टेक्स्ट में जाना है और ओवरऑल एनिमेशन में जाना है और इसे फ्लोटिंग इस तरीके से फ्लोटिंग कर देना है, इस तरीके से फ्लोटिंग कर देना है। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमें ऊपर वाला चिड़िया का PNG उस पर क्लिक करना है, ओवरऑल एनिमेशन में जाना है और इसे प्लस कर देना है। तो ये ब्लिंक होता हुआ ऐसे दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों इसमें हमें सिंपली थोड़ा सा फॉग ऐड कर देना है ताकि हमारा वीडियो अच्छा दिखे। लेयर में जाना है, ओवरले में जाना है और फॉग वाले इफेक्ट को लेकर आना। अगर आपके पास ये फॉग वाला इफेक्ट नहीं है तो नीचे आपको गेट मोड का ऑप्शन दिखेगा, उसमें जाके आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉग वाला इफेक्ट है दोस्तों, देखिए ये हमारा फॉग वाला इफेक्ट है। ये सिंपली ये वाला ले लेना है और इसे खींच के नीचे कर देना है, इसे खींच के इस तरीके से नीचे कर देना है और इसे वीडियो के अनुसार बड़ा कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। सिंपली से मैं प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर ट्रेंडिंग साउंड के ऊपर इस तरीके का वीडियो बनाएंगे तो आपका वीडियो वायरल भी हो सकता है, इस तरीके का वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल भी होता है। तो दोस्तों इसे सेव और शेयर करने के लिए जो बाईं तरफ शेयर का बटन है इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली एक्सपोर्ट कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बड़े आसानी से इस प्रकार के नेम आर्ट वाले वीडियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।